अज श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार साहब के हुक्म आदेश से श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने एक पंथक कट बुलाया जिथे सारी जथेबंदियों को सुनेहा दिता। तो बड़ी खुशी है कि अज समुचा पंथ कट्ठा होया। मैं कह सकदा कि पिछले 30 साल मैं ऐसा एकता का गल तो कट्ठ का मैं देखा नहीं जिमें अज देखा। जेड़े लोग अज तक कट्ठे नहीं सी अज कट्ठे एक प्लेटफॉर्म पर होए है तो यूनैनमसली फैसला किया। सारी जथेबंदियों ने महापुरखों ने निहंग सिंह जथेबंदियों ने वक् वक् अकाली दल जिहड़े बने उन्होंने कि आप श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की प्रधान की अगवाई थले कमेटी बना के आ बंदी सिंघां दी रिहाई वास्ते आप संघर्ष करांगे। जो प्रोग्राम आ कमेटी बनाए गए असी सारे वो प्रोग्राम नूं मन्नांगे ते वह असी आओ मिशन नूं कंप्लीट करांगे। जरा है असी श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान साहब की अगवाई थले कमेटी बनूगी हुण जिहड़ी जो फैसला वह करनगे। श्रोमणी अकाली दल ने उत्थे बयान दिता है तो वख वख जथेबंदियों ने भी किया कि जो कमेटी फैसला करेगी जो आदेश देंगे जो प्रोग्राम देंगे सारे इकट्ठे होके संघर्ष करांगे। 27 साल होगी 32 साल एक अपने सिंह 32 साल 8 फुट पे 4 फुट के सैल में 32 साल रहना कितना औखा है। एक दिन परोल नहीं मिली ऐ जी बेइंसाफी मन लगता है दुनिया के इतिहास नहीं है। कोई पोलिटिकल कंपल्शन नहीं है आ एक एक श्रोमणी अकाली दल पहले भी लगातार संघर्ष करता रहा है। जो साड़ी सरकार सी उदों भी भाई राजूआना साहब की जो फांसी का हुक्म आया उदों असी जरा मगर संघर्ष करके और फांसी का हुक्म रुकवाया। राष्ट्रपति भी मिले प्रधानमंत्री मिले उवें ही अपने प्रोफेसर भुल्लर साहब की जो गल आई उदों उन्हां दी लड़ाई भी असी लड़ी। सो श्रोमणी अकाली दल लगातार लड़ता रहा है पर वड्डी गल एक्ती हुई है कि सारी कौम सारिया जथेबंदियां एक झंडे थले इकट्ठे हो गई। एंड मैं होर भी गल करदा है जिस माहौल ना गल हुई जिस प्यार ना गल हुई ए लगता ही नहीं सी कोई तनाव पुराना है या नहीं। तो इस करके मैं धन्यवाद मैं सही कहना परमात्मा की अज मेहर हुई है परमात्मा के मतलब आशीर्वाद नाल आज बंदी सिख असी रिहा करके बाहर निकला।